किस्से क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किस्से क्रांतिकारियों के कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाविद्रोही कहे जाने वाले क्रांतिकारी विचारक और एक संघर्षशील योद्धा राहुल सांकृत्यायन की दास्तान। ये कार्यक्रम आधारित है वेबसाइट मजदूर बिगुल से लिए गए एक लेख पर। तो राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें गरीब किसान और मजदूर प्यार से राहुल बाबा बुलाते थे, एक चोटी के विद्वान, कई भाषाओं और विषयों के अद्भुत जानकार थे। चाहते तो आराम से रहते हुए बड़ी बड़ी पोथियां लिखकर शोहरत और दौलत दोनों कमा सकते थे, परंतु वे एक सच्चे कर्मयोद्धा थे। उन्होंने आम जन, गरीब किसान, मजदूर की दुर्दशा और उनके मुक्ति के विचार को समझा। उनके बीच रहते हुए उन्हें जागृत करने का काम किया और संघर्षों में उनके साथ रहे। वे वास्तव में जनता के अपने आदमी थे। उन तमाम लेखकों और बुद्धिजीवियों से अलग जो अपने एसी कमरे में बैठकर दुनिया और उसमें घटने वाली घटनाओं की तटस्थ व्याख्या करते रहते हैं, जनता की दुर्दशा की और सामाजिक बदलाव की बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या फिर पद, ओहदा, पुरस्कार की दौड़ में लगे रहते हैं। राहुल ने अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल समाज को बदलने के लिए, जनता को जगाने में किया। उसके लिए उन्होंने सीधी सरल भाषा में न केवल अनेक छोटी छोटी पुस्तकें और सैकड़ों लेख लिखे, बल्कि लोगों के बीच घूम घूम कर गुलामी और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए उन्हें संगठित भी किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 9 अप्रैल सन 1893 में एक पिछड़े हुए गांव कनैला में जन्मे राहुल के मन में बचपन से ही ठहरे हुए और रूढ़ियों में जकड़े समाज के प्रति बगावत की भावना घर कर गई और विद्रोह स्वरूप वे घर से भाग गए। 13 साल की उम्र में एक मंदिर के महंत बने, फिर आर्य समाजी बनकर समाज में रूढ़ियों और मानसिक गुलामी के खिलाफ अलख जगाई। लेकिन भारतीय समाज के सदियों पुराने गतिरोध, अंधविश्वास, कूपमंडूकता और जाति पाति जैसी सामाजिक बुराइयों को लेकर उनके विद्रोही मन में बेचैनी बढ़ती रही और उन्हें लगने लगा कि आर्य समाज इन सवालों को हल नहीं कर सकता। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन दुनिया समाज में बराबरी और न्याय कायम करने का रास्ता उसके पास भी नहीं था। राहुल को अपने सभी सवालों का जवाब बौद्ध धर्म से भी नहीं मिल पाया। समानता और न्याय पर टिके तथा हर प्रकार के शोषण और भेदभाव से मुक्त समाज बनाने की राह खोजते हुए वे मार्क्सवादी विचारधारा तक पहुंचे। उन्होंने गेरुआ चोंगा उतारकर मजदूरों, किसानों के लिए लड़ने और उनके दिमागों पर कसी बेड़ियों को तोड़ डालने को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने समझ लिया कि साम्यवादी समाज का आर्थिक निर्माण नई तरह से करना चाहते हैं और वह निर्माण रफू या लीपापोती करके नहीं करना होगा, एक तरह से उसे नई नींव पर दीवार खड़ी करके करना होगा। भारत की साधारण जनता की गरीबी इतनी बढ़ी हुई है कि उसके लिए अनंत की ओर इशारा नहीं किया जा सकता। हमें अपने काम में तुरंत जुट जाना चाहिए। उनका स्पष्ट मानना था कि जनता के सामने निधड़क होकर अपने विचार को रखना चाहिए और उसी के अनुसार काम करना चाहिए। हो सकता है कुछ समय तक लोग आपके भाव न समझ सके और गलतफहमी हो, लेकिन अंत में आपका असली उद्देश्य हिंदू मुसलमान सभी गरीबों को अपने साथ संबद्ध कर देगा। आम गरीबों से अपने को जोड़ने तथा रूढ़ियों व परंपराओं पर प्रचंड प्रहार करने के लिए राहुल जी ने आम लोगों की बोलचाल की भाषा में भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी तुम्हारी शय, नई की दुनिया, मेहरारून के दुर्दशा, साम्यवाद ही क्यों जैसी छोटी छोटी किताबें लिखकर लोगों को जागृत करने का काम शुरू कर दिया। साथ साथ उन्होंने गांव-गांव घूमकर किसानों और गरीबों को जगाना और अंग्रेज हुकूमत तथा जमींदारों के खिलाफ लड़ने के लिए संगठित करना भी शुरू किया। कई बार उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन वहां भी वे लगातार लिखते रहे। उनकी कई किताबें तो अलग अलग जेलों में ही लिखी गईं। राहुल दूर तक देख सकते थे, इसलिए उन्होंने ये समझ लिया था कि भारतीय समाज की तर्कहीनता, अंधविश्वास, सदियों पुराने गतिरोध
कूप मंडूकता आदि पर करारी चोट करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। आजादी के आंदोलन में जब धर्म का प्रवेश हुआ था, तभी राहुल ने इस बात को पहचान लिया था कि धार्मिक बंटवारे पर चोट करना बेहद जरूरी है। उन्होंने सभी धर्मों में व्याप्त कुरीतियों का ही विरोध नहीं किया, बल्कि स्पष्ट रूप से बताया कि धर्म आज केवल जनता को बांटने और शासकों की गद्दी सलामत करने का औजार बन चुका है। उन्होंने खुले शब्दों में कहा, धर्मों की जड़ में कुल्हाड़ा लग गया है और इसलिए अब मजहबों के मेल मिलाप की बातें भी कभी कभी सुनने में आती है, लेकिन क्या ये संभव है? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस सफेद झूठ का क्या ठिकाना? अगर मजहब बैर नहीं सिखलाता तो चोटी दाढ़ी की लड़ाई में हजार बरस से आज तक हमारा मुल्क पागल क्यों है? पुराने इतिहास को छोड़ दीजिए, आज भी हिंदुस्तान के शहरों और गांवों में एक मजहब वालों को दूसरे मजहब वालों के खून का प्यासा कौन बना रहा है? असल बात यह है, मजहब तो है सिखाता आपस में बैर रखना, भाई को है सिखाता भाई का खून पीना। हिंदुस्तान की एकता मजहबों के मेल पर नहीं होगी, बल्कि मजहबों की चिता पर होगी। किसानों की लड़ाई लड़ते हुए भी राहुल ने इस बात को नहीं भुलाया कि केवल अंग्रेजों से आजादी और जमीन मिल जाने से ही उनकी समस्याओं का अंत नहीं हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि मेहनतकशों की असली आजादी साम्यवाद में ही आएगी। उन्होंने लिखा, खेतिहर मजदूरों को ख्याल रखना चाहिए कि उनकी आर्थिक मुक्ति साम्यवाद से ही हो सकती है और जो क्रांति आज शुरू हुई है वो साम्यवाद पर ही जाकर रहेगी। वे बिना रुके काम में जुटे रहते। भारतीय समाज की हर बुराई, हर किस्म की दिमागी गुलामी, हर तरह के अंधविश्वास, तमाम गलत परंपराओं पर वो चोट करना चाहते थे। उनके विरुद्ध जनता को शिक्षित करना चाहते थे। वे मेहनतकश लोगों से प्यार करते थे और उनके लिए अपना जीवन कुर्बान कर देना चाहते थे। जीवन छोटा था, काम बहुत अधिक था। सदियों से सोए भारतीय समाज को जगाना आसान नहीं था। बाहरी दुश्मन से लड़ना आसान था, लेकिन अपने समाज में बैठे दुश्मनों और खुद अपने भीतर बैठे हुए संस्कारों, मूल्यों, रिवाजों के खिलाफ लड़ने के लिए लोगों को तैयार करना उतना ही कठिन था। राहुल को एक बेचैनी सदा घेरे रहती, कैसे होगा ये सब, कितना काम पड़ा है। वे एक साथ दो दो किताबें लिखने में जुट जाते, ट्रेन में चलते हुए, सभाओं के बीच मिलने वाले घंटे आधे घंटे के अंतराल में या सोने के समय में कटौती करके वो लिखते रहे। लगातार काम करते रहने से उनका लंबा, बलिष्ठ, सुंदर शरीर जर्जर हो गया, पर वो रुके नहीं। ये सिलसिला तब तक चला जब तक मस्तिष्क पर पड़ने वाले भीषण दबाव से उन्हें स्मृति भंग नहीं हो गया, याद ने साथ छोड़ दिया, आर्थिक परेशानी ने घेर लिया, पूरा इलाज भी नहीं हो सका और 14 अप्रैल 1963 को 70 साल की उम्र में मजदूरों, किसानों के प्यारे राहुल बाबा ने आंखें मूंद ली। लेकिन उन्होंने जो मुहिम चलाई उसे आगे बढ़ाए बिना आज हिंदुस्तान में इंकलाब लाना मुमकिन नहीं है। आज हमारे समाज को जिस नए क्रांतिकारी पुनर्जागरण और प्रबोधन की जरूरत है, उसकी तैयारी के लिए राहुल शंकरत्यान का जीवन और कर्म हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। तो ऐसे क्रांतिकारी विचारक और कर्म योद्धा को हमारा क्रांतिकारी सलाम। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे व्हाट्सएप पर जुड़कर लगातार हमारे कार्यक्रम पाना चाहते हैं तो 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजें। हमसे फेसबुक पर जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahakarradio.com विजिट करें। तो श्रोताओं, राहुल शंकरत्यान के इन्हीं क्रांतिकारी विचारों के साथ दीजिए विदा मुझे यानी पवन को। इंकलाब जिंदाबाद। किससे क्रांतिकारियों के, वतन पे मर मिटने वालों की दास्तान।